कश्मीर और फलस्तीन में 70 साल से बर्बरियत जारी है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुजीर है। मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी इदारे अमन के लिए सुस्त रवि का शिकार हैं। हम कश्मीरियों की तहरीक आजादी की हिमायत जारी रखेंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं किया जाएगा, जब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कश्मीर नौजवान माएँ बच्चे बहनें और बूढ़े सब कुर्बानियां देते रहेंगे। लिहाजा आलमी इदारों की जिम्मेदारी है कि वह नहते कश्मीरियों का मजीद इम्तहान न ले जो गुज़िश्ता 73 सालों से इम्तहान दे रहे हैं और पास हो रहे हैं। मजीद उनका इम्तहान न लिया जाए और उनको यूएनओ की करारदादों के मुताबिक आज़ादी दी जाए। अगर जनूबी एशिया में पायदार अमन चाहिए तो उसके लिए कश्मीर मसला को हल करना होगा, वरना भारतीय हुकूमत भारतीय काबिज फौज और आलमी इदारे सुन ले कि कश्मीर अपनी जानों की नजरानी पेश करते रहेंगे लेकिन वो न दबेंगे और न झुकेंगे।